ये देख के वो फीलिंग आता है करण अर्जुन वाला, जी सही कहा बाप, 20 साल पहले यहाँ पे पत्थर गिरा के काम हुआ करते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज राजगीर पे हम लोगों का अगला दिन है और अभी क्या है कि हम लोगों ने बैग वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया है, कपड़ा वगैरह सब कुछ बैग में भर लिया है, लेकिन कमरा का हालत आप लोग देख सकते हैं। और नहा भी लिया हम लोगों ने, गमछा पसार दिया है और अभी क्या है कि हम लोगों को बैग लेके चलना पड़ेगा क्योंकि चेकआउट करना है। तो चलिए चेकआउट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले लोकेशन पर। फिलहाल होटल चेकआउट करने के बाद और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं विश्वा शांति स्टूप रोप वे और चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं अंदर का व्यू आप लोग को। चलिए तो अभी हम लोग जा रहे हैं विश्वा शांति स्टूप रोप वे और ये है एंट्री करने का गेट और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये रोप वे का ये देख सकते हैं, ये विश्व शांति स्तूप और ये यहाँ का लोकेशन है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोग को अंदर का व्यू। चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विश्व शांति स्तूप रोप वे और टिकट हम लोगों ने लिया है, ये आपका पड़ गया 120 रुपये करके और एक सिंगल सीटर भी है जिसका 100 रुपये लगता है। और ये यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। चलिए ये है विश्व शांति स्तूप रोप वे का मार्केट। और यहाँ पे बंदर भी देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। और यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। जो वैशाली में विश्व शांति स्तूप था सेम ऐसे ही यहाँ पे बनाया गया है और व्यू में आप लोग को दिखा देता हूँ। और बंदर भी यहाँ पे काफी है। ये बंदर क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा थे? काम कर रहा है, काम करते हुए बंदर, मजदूरी करते हुए। तो हम लोग आ चुके हैं विश्व शांति स्तूप पर। तो हम रोप वे से करके हम लोग यहाँ ऊपर आए हैं और ये टिकटो वैशाली के जैसा ही है। तो हम लोग अब एंटर कर रहे हैं विश्व शांति स्तूप और ये फर्श बहुत ही गर्म है, पैर ताता दिया कर, इतना गर्म है। और ये आप देख सकते हैं विश्व शांति स्तूप और जैसा हम लोगों ने वैशाली में देखा था सेम ये विश्व शांति स्तूप वैसा ही है, आप देख सकते हैं। ध्यान ले रखो, उसके बाद में आप लोग को आगे दिखा देते हैं। हवा चल रहा है, हवा चलने से थोड़ा सही फील हो रहा है वरना रोड बहुत ही गर्म है यार। और ये वाला जब बुद्ध का देहांत हो गया था और उसके बाद में आगे दो और हैं, बचपन और एक जब बुद्ध ज्ञान ले चुके थे।
चलते हैं यहाँ से। और एक चीज़ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गर्मी के टाइम में यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है, फ्लोर वगैरह सब कुछ बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ही गर्म है यार फ्लोर, और चप्पल तो और गर्म हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। और हम लोग यहाँ पे विश्व शांति स्तूप पे बंदर को पानी पिलाते हुए, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी पीने का बंदर के लिए सुविधा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही तकलीफ है यहाँ पे इन लोगों का पानी के लिए। देख सकते हैं कितना प्यासा है। बंदर को सब लोग पानी पिलाते हुए, और हम लोगों ने यहाँ पे पानी पिलाना शुरू किया। अब देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे सभी लोग पानी पिला रहे हैं इन लोगों को। चलो इसी बहाने ये लोग पानी पी ले रहे हैं, और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी पानी का है व्यवस्था, लेकिन काफ़ी गर्म हो गया, काफ़ी गंदा हो गया यहाँ का पानी। यहाँ का पानी आप देख सकते हैं काफ़ी गंदा हो चुका है, इसीलिए शायद ये लोग यहाँ पे पानी नहीं पी रहे हैं, और वहाँ पे बहुत प्यासे हैं ये लोग, बहुत दिन से झगड़ा कर रहे हैं पानी पीने। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं दूसरे लोकेशन पे, और यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे बंदर देख सकते हैं आप कितने सारे हैं, ये एक है, और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। पानी पिलाइए सबको, पानी 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 वहाँ पे भरने का है, वहाँ पे भरने का, पानी पिलाइए। तो हम लोगों ने तो बहुत देर से इन लोगों को पानी पिला दिया, बॉटल अपना वेस्ट हो चुका है, अब हम लोग को प्यास है। और ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी मजे से ये लेटा हुआ है, काफी रईस लग रहा है, ये काफी रईसी से लेटा हुआ है ये। चलिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लोग हमला करने में बहुत तेज रहते हैं, तो इसे छोड़ देते हैं और चलते हैं आगे। और हम लोगों को अब बाहर से एक बोतल लेना पड़ेगा, क्योंकि अपना बोतल तो ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे मैं आप लोग को अब व्यू दिखा देता हूँ, यहाँ से कैसा व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे बसंती के लिए लड़ाई हो रहा है, बसंती के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, बसंती एक है आदमी दो है। और यहाँ से व्यू देख सकते हैं, अब यहाँ पे सिमरन को आवाज लगाया जाएगा, सिमरन कौन है पता नहीं, लेकिन सिमरन को आवाज लगाया जाएगा, लगा आवाज सिमरन को, सिमरन भोजपुरिया स्टाइल, सिमरन फगुनिया किधर है रे, व्यू हवा मस्त चल रहा है, व्यू भी मस्त है, फगुनिया मिल रही, फगुनिया को कहाँ पुकार रहे, फगुनिया दिखेगा भी नहीं यहाँ से, सिमरन को ये देख के ना वो फीलिंग आता है, ये देख के वो फीलिंग आता है, करण अर्जुन वाला, सही कहा बाप, 20 साल पहले यहाँ पे पत्थर चुरा के काम हुआ करते थे, वही वाला यहाँ पे फीलिंग आ रहा है, वहाँ पे करण अर्जुन पत्थर तोड़ता था और वहाँ से यहाँ से पुकारता था वहाँ। तो अब निकलते हैं ये लोकेशन से, ये लोकेशन से हम लोग निकलते हैं और चलते हैं इसके अंदर देखते हैं क्या है, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, और एक बोतल तो लेना ही पड़ेगा, अब प्यास काफ़ी बढ़ रहा है, फोटोशूट वगैरह वीडियो शूट सब कुछ हो चुका है, अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर में, इस टेंपल के अंदर देखते हैं क्या है। तो अब चलते हैं इस टेंपल के अंदर में, और यहाँ भी काफ़ी गर्म है,
बुद्धिस्ट टेम्पल है, यहाँ आप देख सकते हैं ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा है बाकी सबके मुकाबले, और यहाँ गर्मी है। अब मैं आप लोगों को बुद्धिस्ट टेम्पल दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रेयर हो रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अब निकलते हैं इस लोकेशन से, ये लोकेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे लोकेशन पे, और प्यास अब काफ़ी बढ़ गया है। एक चाचा थे अंदर में, वो चाचा से मैंने पानी मांगा, चाचा दिया नहीं। और अब चलते हैं आगे बाहर, बाहर से लेते हैं एक बॉटल लेके पानी पिया जाएगा। और ये व्यू आप एक बार फिर से देख लें, ये काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का व्यू। गर्मी है लेकिन व्यू तो बढ़िया है भाई। तो बाज़ार से निकल चुके हैं, और एक चीज़ बताना चाहेंगे, कुछ भी यहाँ से लेने से पहले एक बार दाम ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि दाम बहुत यहाँ पे हाई रहता है हर चीज़ का। और देखते हैं, अभी हम लोग तो आए थे, कितना था उस पर, कितना लोग आना आ सकता था, आठ लोग हम लोग आए थे, जिससे रोप वे से उसमें 8 लोग आ जा सकता था। अभी हम लोग सोच रहे हैं सिंगल रोप वे से जाने का, देखते हैं। तो विश्व शांति स्तूप रोप वे हम लोगों ने कर लिया, अब चलते हैं अगले लोकेशन पे, अगले लोकेशन का व्यू देखते हैं, और उसके बाद में चना चटपटे। तो काफ़ी मज़ेदार है रोप वे विश्व शांति स्तूपा का, और यहाँ पे पानी के लिए बहुत दिक्कत है यार, पानी का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। इसमें सामने ही है इसका, लेकिन पानी नहीं है दोस्त, नहीं है। तो अब चलते हैं अगले लोकेशन पे, घोड़ा घाटी, और यहाँ पे इंजन मुक्त जगह है, बाइक नहीं जाता है वहाँ पे, टोटो जाता है। अब देखते हैं टोटो कितना चार्जेस लेता है यहाँ पे, और सबका चार्जेस मैं एक बार पे कैलकुलेट करके उसके बाद में मैं आप लोग को बता दूंगा चार्जेस यहाँ पे कितना लग रहा है हर चीज़ का। और उसके बाद में अभी तो फ़िलहाल चलते हैं घोड़ा कटोरा, बाइक हम लोगों ने वहाँ पर पार्क किया है, और हेलमेट उस दुकान पर है, पार्किंग 20 रुपये, हेलमेट रखने का 20 रुपये है, और जो विश्व शांति स्तूप रोप वे है उसका 120 है, और सिंगल जो रोप वे है उसका 100 रुपये है। तो अलग अलग चार्जेस है दोनों का, और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। हम लोग घोड़ा कटोरा के लिए गए थे, टोटो वहाँ से जाता है, बाइक है हम लोग के पास, लेकिन बाइक वहाँ पे नहीं जाता है, और वहाँ पे काफ़ी वेट कर रहे थे हम लोग, और यात्री आया नहीं, और 300 रुपये वहाँ पर मांग रहा था, तो 300 रुपये हम लोगों ने दिया नहीं, 200 रुपये हम लोग यहाँ 200 रुपये प्रति व्यक्ति, 100 रुपये वहाँ पे लेता है, 200 रुपये जाने का और आने का लग जाएगा, लेकिन वो लोग हम लोग से 300 रुपये मांग रहा था। अभी हम लोग जा रहे हैं दशरथ मांझी माउंटेन, मांझी द माउंटेन मैन, और लोकेशन यहाँ का आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। तो व्यू का मज़ा लीजिए, हम लोग पहुँच के आप लोग को वहाँ का व्यू दिखाते हैं। और दशरथ मांझी का गांव आप लोग को दिखा देते हैं। वीडियोग्राफी वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले हैं,
थोड़ी देर के लिए आपको सब कुछ करने देते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे यहाँ से भगा देते हैं। तो अब चलते हैं। अब यहाँ पे तो सारा विजिट हम लोग का हो चुका है, अब देखते हैं आगे कोई लोकेशन बचेगा तो वहाँ पे चलेंगे, वरना इस ब्लॉग को इसी यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो दशरथ मास जी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम आपको छोटे लाल जी के द्वारा बताना चाहते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या क्या उन्होंने किया है। अभी हम लोग आ चुके हैं दशरथ मान जी के घर पे, और यहाँ पे ठीक उनका घर के सामने ही यहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया उनके उनके लिए। तो अभी मैं आप लोगों को दशरथ मान जी जो थे उनका पोता से मिलवा देता हूँ। ये सामने है आप, तुम्हारा नाम क्या है? चंदन कुमार। क्या लगते हो दशरथ मान जी के पोता? मैं आप लोग को दशरथ मान जी का घर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, इसी में रहते थे दशरथ मान जी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग पे। और कौन सा लोकेशन आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, अल्लाह हाफ़िज़।